हेलो गाइस वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर सोनेट जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर तो ये वीडियो होगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं एस्पिरेंट्स हैं चाहे आप यूजीसी नेट के लिए जा रहे हो या किसी अदर एग्जाम्स के लिए जा रहे हो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड तक देखिएगा वीडियो और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी के लिए अन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सभी एनटीए यूजीसी नेट एस्परेंट्स के लिए आप प्लीज अनलॉक ट्वेंटी ये सब्सक्रिप्शन है आप ले सकते हो एन टी ए यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन आप रेगुलर यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कितना ड्यूरेशन है और प्लस सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पे है इसके साथ साथ आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है उसके क्या क्या प्राइजेस हैं क्या क्या डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है और इसके साथ साथ आप मेरा कोड पी फिफ्टीन यूज करोगे तो आपको इस लास्ट जो प्राइस होगा आपको जो आपको पे करना है ऑफर प्राइस है उसको जो पे कर रहा है उसके साथ ही साथ पी फिफ्टीन कोड यूज करने के बाद आपको और अच्छे से डिस्काउंट मिल जाएंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस अनलॉक ट्वेंटी को अनलॉक करने के लिए एनडी यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए चाहे आप 24 मंथ्स के लिए जाओ 12 मंथ्स के ले जाओ 6 मंथ्स के ले जाओ या 3 मंथ्स के ले जाओ प्राइजेस आपके सामने यहाँ पे मेंशन है और प्लस रेगुलर जो प्राइजेस हैं और आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है इन दोनों के प्राइजेस आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पी कोड जरूर यूज करिएगा आप सभी एनडीए यूजीसी नेट की सब्सक्रिप्शन ने, लेने के लिए इससे आपको और अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के तरफ से तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैंने आपको बता दिया है इसके साथ ही साथ इसका जो बायो में आपको लिंक जो मिलेगा वो होगा हमारा आई बचन पे और लास्ट में आप एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा आप वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी एस्परेंट के लिए जो भी एन टी ए यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप इंग्लिश में हो आपके आपके कोई फ्रेंड हैं आप उनको भी सजेस्ट करिए इसका लिंक उनको भी दीजिए और आप सभी ज्वाइन करिए और अपने अपकमिंग जो एन टी ए यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन में आप अनअकैडमी के साथ अभी से ही लग जाइए तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और बात करेंगे शेक्सपियर के सोनेट की और जो फैक्ट फर्स्ट फैक्ट हम डिस्कस करें यहाँ पे तो वो हम शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड ही बात करेंगे तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं शेक्सपियर के बारे में आप सभी जानते हो 1564 से लेकर के 1616 तक का टाइम ड्यूरेशन ये हमारा विलियम शेक्सपियर का टाइम ड्यूरेशन है एंड विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली पोएट ड्रामेटिस्ट बट ऑल्सो ग्रेट परफॉर्मर वो एक्टर भी थे अपने प्लेस में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है और उन्होंने जो ड्रामाज लिखे हैं जो पोएम्स लिखे हैं जैसे हम सोनेट की बात करते हैं दी ऑल आर अप टू द मार्क और वो रिगार्ड करे जाते हैं फर्स्ट फ्रंट रैंक मेजर सोनेटियर ऑफ जी ऑफ द एलिजाबेथिन एरा एलिजाबेथिन एरा के फ्रंट रैंक सोनेटियर उनको रिगार्ड किया जाता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनकी लाइफ से रिलेटेड था और बात करते हैं इनके सोनेट की तो वी हैव द सोनेट कवर सच थीम्स ऑफ़ टाइम लव इनफिडिलिटी जेलेसी ब्यूटी एंड मॉरलिटी ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी थीम्स हैं जो भी सोनेट शेक्सपियर ने लिखा हुआ है 154 सोनेट्स लिखे हुए हैं और आप सभी जानते हो वो जो सोनेट्स हैं वो डील विथ करते हैं या उनका जो थीम है वो जो टॉपिक या थीम जो कवर करते हैं वो पैसेज ऑफ टाइम है

प्रेजेंट किया पब्लिश किया क्वार्टो जो था क्वार्टो नेम से ये था जैसे फर्स्ट फोलियो सिक्सटीन ट्वेंटी में उनके जितने प्लेज थे वो पब्लिश हुए थे आप चाहे आप उसमें कॉमेडी की बात कर लो ट्रेजिक प्लेज की बात कर लो या आप क्रॉनिकल प्लेज या उनको हम हिस्टोरिकल प्लेज भी बोलते हैं उसकी बात कर लो बट अगर हम सोनेट्स की बात करते हैं उनके पोएम्स की बात करते हैं तो क्वार्टो टाइटल से ये पब्लिश क्वार्टो पब्लिश हुआ था ये इनका सिक्सटीन में विद और टाइटल क्या था उसका उसका टाइटल था शेक्सपियर सोनेट और उसके पब्लिशर जो थे वो थॉमस टॉर्पे थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु वॉज द पब्लिशर ऑफ शेक्सपियर सोनेट तो वहां पे आप थॉमस टॉरपे का नाम दोगे ठीक है थॉमस टॉरपे वॉज द मैन पब्लिशर ऑफ द क्वार्टो ऑफ द विलियम शेक्सपियर सोनेट इन 1609 ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट वी हैव हियर

फाइनल देखिए मोस्ट आर की बात हो रही है तो यहाँ पेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सोनेब्लिस्ड और में में लिखे गए हैं Three means, एक फोर लाइंस होती है क्वार बोलते हैं फोर लाइन स्टैंडा ओके ये ध्यान दीजिएगा फोर लाइन स्टैंडा को क्वार्टर बोलते हैं और कपलेट आप सभी जानते हो दो राइमिंग लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे से राइम करती हैं तो ये जो इनका सोनेट लिखने का जो फॉर्म था वो फोर्टीन लाइन का स्टेंजा हुआ करता था वन कपलेट में ये डिवाइडेड था पूरा फॉर्मेट इनका और जो राइमिंग स्कीम थी उसकी बात अगर हम कर लेते हैं बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी जी ठीक है मीन्स फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम करती थी सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करती थी ये इनका हुआ करता था जो भी मोस्ट ऑफ दी विलियम शेक्सपियर ने इसी फॉर्मेट में लिखे हैं अभी कुछ बात करेंगे जो एक्सेप्शन है इनके novels, इनके की उसके बारे में हम बात करेंगे और आगे बात करते हैं दोनेट्स फॉर्म एंड राइम स्कीम इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट ठीक है शेक्सपियरियन सोनेट के नेम से भी जाना जाता है जो भी फॉर्मेट इन्होंने यूज करा हुआ है सोनेट लिखने के लिए थ्री क्वार्टर एंड

जो थे थ्री कॉर्ट वन कपलेटिंग स्कीम ए बी ए बी सी डी सी डी ई ई एफ एफ एन जी जी के फॉर्म में लिखे जाते थे और जो राइमिंग स्कीम होती थी उनका जो था वो इनमें सिलेबल्स क्या यूज होते थे जो लाइन का पैटर्न क्या था एम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखे जाते थे टेन सिलेबल्स स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस को फॉलो करते हुए आगे है हमारे हम सभी के सामने देर और फ्यू एक्सेप्शन जैसा मैंने बात किया था कि कुछ इनके एक्सेप्शन इनके सोनेट जो कि अलग फॉर्मेट में लिखे गए हैं Sonnet 99, sonnet 26, sonnet 149. ये कुछ हैं जो कि ने कुछ में लिखा गया। जैसे की जितने सोनेट्स है सोनेट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फोर्टीन लाइन में ही लिखा जाता है लेकिन विलियम शेक्सपियर ने सोनेट 99 को फिफ्टीन लाइन में लिखा हो गया है और सोनेट 126 क्या था इसमें सिक्स कपलेट्स थे ठीक है वैसे विलियम शेक्सपियर के सोनेट में लास्ट में वन कपलेट होता है बट इस सोनेट में सिक्स कपलेट एंड टू ब्लैंक लाइन थी इसमें इसके साथ साथ हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर जो सोनेट था वो टेट्रामीटर के फॉर्म में लिखा गया था पेंटामीटर के नहीं ठीक है तो इसमें 154 जो था सोनेट वो आम्बिक टेट्रामीटर के फॉर्म में लिखा गया है ये कुछ एक्सेप्शन है इनके सोनेट से रिलेटेड विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की अगर हम बात करें आगे है

यहाँ पे उनके फ्रेंड को ये एड्रेस किए गए थे डेडिकेट किए थे विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को 1 2 126 यंग मेंस को ओके उसके बाद के जो सोनेट्स थे मींस 127 से लेकर के 154 तक के जो सोनेट्स थे ये जो एड्रेस किए गए थे यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा तो वुमेन सो कॉल्ड डार्क लेडी ऑफ द शेक्सपियरियन लेजेंड्स शेक्सपियरियन लेजेंड्स के जो डार्क लेडीज थी उनके बारे में 127 से लेकर के 154 सोनेट्स वो विमेन्स को डेडिकेटेड थे उनके ऊपर विलियम शेक्सपियर ने लिखा था नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो शेक्सपियर सोनेट आर ऑल्सो मेमोरेबल फॉर दियर इंटेंसिटी ऑफ इमोशन दियर स्पॉन्चुनिटी एंड दियर म्यूजिकल इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विलियम शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड कि आप विलियम शेक्सपियर के को जब पढ़ते हो तो आप एक तरीके से अटैच फील करते हो उन सोनेट से आपको एक लविंग लविंग फीलिंग आती है आपको एक इंटेंसिटी का इमोशन देखने को मिलता है कि किस तरीके से लव के ऊपर विलियम शेक्सपियर ने और एक आ, आप इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस इंटेंसिटी ऑफ लव के ऊपर विलियम शेक्सपियर ने किस तरीके से अपने सोनेट को एक कंपोज करा हुआ है और उनकी स्पॉन्टेनिटी की उसमें वो खुद अपने आप को उस तरीके से उसमें प्रेजेंट करते थे उसमें अपने आप को एक तरीके से ढाल लिया करते थे और उनकी जो म्यूजिकल क्वालिटी थी वो आप इन सोनेट्स में बहुत अच्छे तरीके से विलियम शेक्सपियर ने यूज़ करा हुआ है और वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इनके जितने भी सोनेट्स हैं हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर वो बहुत ही म्यूजिकल क्वालिटीज की बात करें स्पॉन्टेनिटी की बात करें इंटेंसिटी ऑफ लव एंड इमोशंस की बात करें वेरी मेमोरेबल आगे है हिट सोनेट्स आर कैरेक्टराइज बाई द फिलिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक देखिए कुछ इनके सोनेट्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे और उसमें से एक इंपॉर्टेंट सोनेट की लाइन को मैंने यहाँ पे पिक करा हुआ है लव इज नॉट लव Which alters when his alteration finds. ये बहुत ही फेमस लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट हंड्रेड एंड सिक्सटीन की लाइन है विलियम शेक्सपियर के जिसमें उन्होंने बात की है वो लव लव नहीं होता है जो कि परिवर्तन आने पे खुद भी परिवर्तित हो जाता है बदलाव आने पे खुद बदल जाता है अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है वो इंस्टेंट या आप ये कह लो कि वो कांस्टेंट नहीं रहता है लव उसको हम लव नहीं बोलते हैं जो लव अपने लव में कांस्टेंट नहीं है ठीक है दैट लव लव इज नॉट लव विच ऑल्टर वेन इज ऑल्टरेशन फाइन्स दैट इज ऑल्टर मीन्स होता है चेंजेस जो होते हैं ऑल्टर ये यहाँ पे होता है तो इसका मतलब है कि वो लव जो कॉन्स्टेंट नहीं है जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है okay? पॉपुलर सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, का उसमें इन्होंने बात की है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस करा शेक्सपियर के सोनेट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके साथ ही साथ हम आगे आने वाले वीडियो में उनके

ये जो की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको अवेल कर सकते हो इसके साथ ही साथ कोड आप यूज करिएगा जो मेरा कोड है आपको इसमें और डिस्काउंट अवेल हो जाएगा पी फिफ्टीन आप अगर कोड यूज करते हो जहाँ पे कोड यूज कोड का को ऑप्शन आएगा और आप सब्सक्रिप्शन अपना बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे एक, एक रिलायबल प्लेटफॉर्म की तरफ से अन अकेडमी की तरफ से आप एन टी ए नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो जो आपके अपकमिंग डेज में एग्जाम होने वाला है तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इन लिट जोन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग